नरेन दामोदर दास मोदी। भारत माता की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। The occasion was historic as Modi walked in to the central hall of the parliament. अच्छे दिन नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए। सरकार ने देश के 33,000 एनजीओज में से 20,000 एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें बाहर से आपको चंदा मिलता है, तो 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो जैसे हो इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से मुक्त करा पाऊंगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात है, ये गरीब के लिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम हो रहा है। आज उसकी तबीयत पर बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहे। आज लकड़ी लाना चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है, और इतना ही नहीं,
ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी, उनका जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस माँ के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर एक पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ते हैं, और इसलिए मेरा सरकम है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। जीएसटी कौन सहमत नहीं था, सबको ही चाहते थे जीएसटी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाते, फैसले लेने में मेरा अपना लाभ गैर लाभ राजनीति चुनाव यही चीजों का दबाव रहता था। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया, व्यापारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मैं देश के व्यापारी आलम को, छोटे मोटे उद्योग करने वाले आलम को जीएसटी के साथ शुरू में कठिनाइयां आने के बावजूद भी उसको गले से लगाया, स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट से आज कारोबार आसान हुआ है, बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है। जीएसटी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया। मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ सबका विकास। Ladies and gentlemen, please join us in extending this honor to our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the 2018 Champions of the Earth Award. That Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers. I like him. You know, I think that he has a vision for the country. Aapka swagat hai mere dost.